This channel is all about the share market. Please subscribe this channel and press the bell button for latest update. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित गौरव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, जो हम आपको पोजिशनल स्टॉक सजेस्ट करते हैं वो हमें कितने परसेंट का रिटर्न देते हैं या दे रहे हैं, और दूसरा, जो फ्यूचर में हमने आपको स्टॉक सजेस्ट किए हैं वो जो है हमें कितने परसेंट का रिटर्न दे रहे हैं और उन्होंने हमें कितने कितना प्रॉफिट बना के दिया है। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। राइट कॉर्नर में जो एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्लिक करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हम बहुत ही अच्छे स्टॉक सजेस्ट करते हैं, उसका भी रिव्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे कितने अच्छे अच्छे स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा, जहाँ पे मैं अपने स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ये है मेरा, द वे ऑफ ग्रोथ के नाम से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि द वे ऑफ ग्रोथ में जो मैं स्टॉक सजेस्ट करता हूँ वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। दोस्तों, आज थर्ड अगस्त है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको अवंती फीड, नीचे से स्टार्ट करते हैं, और देखिए यहाँ पे अवंती फीड मैंने आपको 400 के लेवल पर सजेस्ट किया था। ठीक है, और इसने आज हमें कितने 518 तक का इसने आज हाई बनाया, जो लगभग नियर अबाउट 30% रिटर्न होता है लगभग 10-15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी रिसर्च रहती है। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे उसके बाद में, तो आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी और यहाँ पे विद प्रूफ रहेगा। मैं आपको कोई भी मतलब ऐसे हवा में बात नहीं करूँगा, विद प्रूफ आपको बताऊँगा कि हाँ, ये जो मैंने दिया था सच सच है या गलत है। देखिए, ये स्क्रीन शॉट के साथ मैं आपको बताऊँगा, ये स्क्रीनशॉट है। अवंती फीड मैंने 17 जुलाई को सजेस्ट किया था 400 के लेवल पे, और टारगेट मैंने कहा था इसको ओपन रखिए और इसमें हमें अच्छा रिटर्न बनाएंगे। अभी तक हम इसमें पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो अभी तक इसमें अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो 518 30% रिटर्न बन रहा है अभी भी। ठीक है, तो इस तरीके की कॉल है। आप ऊपर जाएंगे तो आप और चेक करेंगे। फिलिप्स कार्बन मैंने सजेस्ट किया था 210 के लेवल पर। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लिस कार्बन में 210 पे सेल्स किया था, आज इसने लगभग जो है 277 का हाई बनाया है। फ्लिस कार्बन ने अभी उस लगभग 30% के आसपास ने रिटर्न दे दिया है। इस तरीके की रिसर्च हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में और ऊपर अगर आप जाएंगे तो और आपको मिलेगा। आज देखिए, मैंने बैंकीज जो है मैंने 3000 के लेवल पर सजेस्ट किया था बैंकीज को, और बैंकीज ने लगभग जो है 3200 के ऊपर हाई बनाया, लगभग उसमें भी 7-8% रिटर्न बन रहा था इंट्राडे में। एक दिन में 7-8% रिटर्न बन रहा था, और इसमें अभी हमने पोजीशन होल्ड कर रखी है, आगे हम इसमें और अच्छा रिटर्न लेंगे। तो इस तरीके की आप देखिए यहाँ पे, ये मेरा एक्चुअली ग्रोथ गेनर के नाम से एक ग्रुप है, जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं, जो जिन्होंने हमें पर्सनली सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारी सर्विस को सब्सक्राइब किया है। तो उनको उनका एक मैंने ग्रोथ गेनर के नाम से एक ग्रुप बनाया है, जिसमें लगभग 30 मेंबर्स हैं नियर अबाउट अभी। ठीक है, तो उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रिसर्च जो होती है वो मैं सजेस्ट करता हूँ, और एफएंडो की जो सर्विसेज है वो एफएंडो के स्टॉक में उस ग्रुप में सजेस्ट करता हूँ, ताकि मैं प्रॉपरली उनको गाइड कर सकूँ, और एफएंडो में कैसे हमने प्रॉफिट बनाए हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो आप यहाँ पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, कल हमने जो है अपने ग्रोथ गेनर में दो सजेस्ट किए थे स्टॉक, एक अरविंदो फार्मा का और एक रिलायंस का, दोनों में मिला के लगभग हमने कल एक दिन में 13,000 रुपये बनाए थे। उसका मैंने स्क्रीनशॉट दिया था, आप यहाँ चेक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 अगस्त का है, और इसमें दोनों कॉल्स यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अशोक लेलैंड मैंने 109 पर सजेस्ट किया था, और अशोक लेलैंड अभी आप 120 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस बार स्टॉक में देखेंगे अदानी पावर 22 रुपये पर मैंने सजेस्ट किया था, और अभी इसमें मेरा 25 और 29 का टारगेट था, और 29 तक का इसमें रिटर्न आ गया लगभग। ये भी आपको कितने परसेंट रिटर्न दे रहा था आप इसमें खुद कैलकुलेट कर लीजिए, कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 22 रुपये पर आपने बाई किया और 30-31 में आप 29-30 में आप निकलोगे तो कितने परसेंट रिटर्न बनता है। ओके, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, व्हाट ए फेबुलस रिटर्न। यहाँ पे पोजीशन स्टॉक में आप इतना अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, आपको इंट्राडे फ्यूचर में करने की क्या जरूरत है, क्यों आप लॉस का रिस्क लो। ठीक है, तो इस तरीके की प्रीमियम कॉस्ट जो है मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। तो आपसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो मेरा ग्रुप है द वे ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे मैं कॉस्ट देता तो हूँ, बट लोग इसमें इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि इसमें पोजिशन बनाए। ठीक है, तो इसलिए वो पोजीशन बनाते नहीं है, फिर बाद में जब स्टॉक ऊपर चल जाता है तो फिर कहते हैं मैं तो सर ले नहीं पाया, आपने हमें स्टॉक बताया था बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, हमने स्टॉक लिया ही नहीं, हम तो रिटर्न बना ही नहीं पाए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी पेड सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं है वहाँ पर, सिर्फ
30,000 मैं चार्ज करता हूँ फॉर 1 ईयर आपको असिस्ट करने के लिए, क्योंकि उसका फायदा क्या होगा कि आप आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने जो आप 30,000 दे दिया है, अब जो मुझे स्टॉक मिलेगा वो अच्छा वेल रिसर्च स्टॉक होगा जिसमें मैं पैसा बनाऊंगा, और उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट सारी चीज़ें डिफाइन होंगी और मैं उनको फॉलो करूंगा, ठीक है, उसको मैं आपको फॉलो अप दूंगा मतलब, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि उसमें पोजीशन बनानी है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी सर्विसेज ज्वाइन कीजिए। 30,000 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है, हम बहुत ही जल्दी उसको रिकवर कर लेंगे। अगर आपका सिर्फ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, तो मैं आपको मतलब एश्योर कर सकता हूँ कि हम उसको 10, 15, 20 बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए तो 1 महीने में उसको रिकवर कर लेंगे। तो और 1 साल की आपको सर्विसेज मिल रही है, आप सोचिए फिर 1 साल में आपका रिटर्न कितना होगा। तो एक्चुअली देखिए, जिनका जिनका इन्वेस्टमेंट कम है वो तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि वो, जिनका इन्वेस्टमेंट लगभग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसा ही अगर उनका इन्वेस्टमेंट है, तो वो लोग मेरे सर्विस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बन सके, आपका पैसा डबल होने में टाइम नहीं लगेगा, बस आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आप अपनी परफॉर्मेंस जो है मैं आप दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरीके की है। मैं बाकायदा सर्कल बना के स्क्रीनशॉट भेज के आपको वो मैं भेजता हूँ ताकि आपको विश्वास हो और आप भी पैसे बनाए उसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जिसका स्टॉप लॉस होता है मैं उसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉस्ट कॉस्ट निकलवा दिया था, ये मैंने मेंबर्स को, और फिर उसके बाद में स्टॉक अपनी अपोजिट डायरेक्शन चला गया, फिर उसमें अगर जो लोग नहीं स्टॉप लॉस नहीं इसको नहीं निकाले होंगे वो लॉस में चले होंगे, चले गए होंगे। तो इस तरीके की जो है मैं उसमें फॉलोअप देता रहता हूँ ताकि आपको लॉस कम से कम हो और पैसा ज़्यादा बने। सुमित इंडस्ट्री मैंने बहुत ही अच्छे रेट पर दिया था, और अभी उसमें देख रहे हैं आप डेली अपर सर्किट लग रहा है, कल परसों में वो स्टॉक स्प्लिट हुआ था, लोग पूछ रहे थे रेट के नीचे क्यों चला गया, रेट नीचे नहीं गया, वो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो आपको उसमें शेयर्स आपको बढ़ के मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, अवंती फीड या इंडो स्टार इस तरीके की मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और ये तो मेरा वे ऑफ ग्रोथ है। अब मैं अपने ग्रोथ गेनर्स जो मेरा ग्रुप है, जो मेरे जिसमें जिसमें मेरे पेड क्लाइंट्स हैं, उसको उसको मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको अब अपनी पोजिशन सॉरी फ्यूचर वाले पोजिशन स्टॉक को मैंने आपको दिखा दिया, और फ्यूचर वाले स्टॉक को जो मैं आपको दिखाऊंगा, फ्यूचर की ये जो लिस्ट है एक्सेल शीट में बनाता हूँ, जो भी मैं फ्यूचर्स की कॉल देता हूँ उसकी मैं एक एक्सेल शीट बना के रखता हूँ कि मैंने किस दिन किस रेट पर कोई कॉल दी थी और उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस बनाया। तो आप इसमें अगर जुलाई मंथ का ये है, सॉरी ये जुलाई 2018 है, 2018 का है, आप इसमें आप देखेंगे टोटल जुलाई मंथ का जो प्रॉफिट था हमारा 85,578 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट था, ये हमारा जुलाई मंथ का है। अब इसमें आप जितने भी कॉस्ट देखेंगे ये सब मैं 27 को दिया, 25 को दिया, 24 को दिया, 23 को दिया, एक्चुअली ये सिर्फ एक्सेल शीट मैंने बनाई नहीं है, आप इसको जाके चेक करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ बनाई नहीं हुई है, मैं ये सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप पहली कॉल देखिए, ये 27 तारीख को मैंने अरबिंदो फार्मा की कॉल दी थी 590 पे बाई करने, ये ग्रीन का मतलब बाई और रेड का मतलब सेल, सेल की कॉल है, ये ग्रीन वाली बाय की कॉल है ये, और ये रेड वाली सेल की कॉल है, ठीक है। तो 27 तारीख को मैंने 590 बाय करने के लिए कहा था, तो आप आपको अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 27 तारीख को ये वाकई में कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। तो 27 तारीख की डेट में चलते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पे आप ये देखिए, ये वाली जो कॉल है अरविंदो फार्मा अगस्त फ्यूचर बाई एवव 590, स्टॉप लॉस 585 और टारगेट 600 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, 590 27 तारीख को 600 का टारगेट आ गया था, 1,000 का लॉट साइज था, 10,000 रुपये से बनाए, ठीक है, आप समझ गए ना, और 10,000 रुपये बनाए। अब आप देखिए, अब इसमें आप चार्ट में देखिए, 9:51 मैंने सजेस्ट किया था, यहाँ पे टाइम भी है, यहाँ पे डेट भी है, ये टाइम भी है, ठीक है, और यहाँ पे ये रेट भी लिखे हुए हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, सारा कॉल्स मतलब लाइव हो रहा है, ठीक है। अब आप दूसरी कॉल देखिए, टाटा मोटर्स में क्या हुआ, मैंने 25 तारीख को सेल्स किया था, 260 के रेट, 260 के नीचे सेल करना है, तो आप इसमें अब जाइए, ठीक है, अब आप 25 तारीख में जाइए और 25 ये देखिए, टाटा मोटर्स सेल 260 पे सेल करना है, 263 का स्टॉप लॉस था, टारगेट ओपन रखना था। उसके बाद में आप यहाँ पे आइए, ये देखिए टाटा मोटर्स को 260 और 258 पे हमने इसको निकाल दिया था, 1,500 का लॉट साइज था, तो उसके हिसाब से 3,000 का प्रॉफिट इसमें होता है 25 तारीख में, ठीक है। उसके बाद में आप 24 तारीख में जाइए, अरविंदो फार्मा को फिर से हमने इसको बाई करवाया 595 के रेट पे, अब आप देखिए यहाँ पे आ जाइए टेलीग्राम पे, अब 25 तारीख में आप जाइए यहाँ पे और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, ये देखिए अरविंदो फार्मा अगस्त फ्यूचर बाई एव 595, ठीक है, स्टॉप लॉस 592 और टारगेट ओपन रखना था, आप यहाँ पे आइए, ठीक है,
595 बाई किया, 597 पे निकल के हमें 2 पॉइंट मिल रहे थे। एक्चुअली उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं मिला, तो 2 पॉइंट मिले तो 1 1000 का लॉट साइड है, तो 2000 रुपये इसमें हमारे बन गए 25 तारीख में। फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, यहाँ पे देखिए टाइम भी दे रखा है, 900 9:55 ये दे रखा है, और 24 जुलाई ये टाइम ये डेट भी दे रखी है, ठीक है। और आप आइए यहाँ पे, ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा अगस्त, ये हमने 1327 तारीख को हमने इसको बाई करने के लिए कहा है 1338 रुपये पे, ठीक है। अब आप यहाँ जाइए 23 तारीख में, ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, बाई अब 1338, स्टॉप लॉस 1328 और 1348 और 1358 के टारगेट थे, ठीक है। तो हमने इसको 1348 पे निकाल दिया, 800 का लॉट साइज था, तो 10 पॉइंट मिलेगा, तो 8000 का प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके की आप ये इसमें टाइम भी देखिए 10:40 पे देख लिया, तो आप ये चेक कीजिए चार्ट पे जाके, चार्ट खोलिए और देखिए 10:40 पे इतना रेट चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ठीक है। ये सारे मेरे पेड जो क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरी सर्विसेज सब्सक्राइब की हैं, उनको मैं ये प्रीमियम्स कॉल देता हूँ जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनता है, लॉस बहुत ही मिनिमम है। अब आप आइए नेक्स्ट एक दो लॉस की देखिए, ये दो कॉल्स हैं लॉस की हैं। अब देखिए अशोक लेलैंड मैंने 18 तारीख को सेल्स किया था 113 के रेट पे, ठीक है। उसके बाद में इसने 111 का इसमें स्टॉप लॉस था, 4000 का लॉट साइज था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसमें 8000 का लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद में अरविंदो फार्मा, ये एक्चुअली उस 18 तारीख वाला दिन ऐसा था कि इसमें दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया। 18 साल फेडरल बैंक का अगर आप देखोगे, इसमें जो है हमने प्रॉफिट बनाया था, इसमें हमें 11000 का प्रॉफिट हो गया था, तो 8000 12000 का लॉस हुआ, 11000 का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल जो है लॉस हुआ 1000 का लॉस हुआ। सिर्फ 3 कॉल्स में से दो दो कॉल्स फ्लॉप हो गई, तो लेकिन लॉस हमें सिर्फ 1000 का हुआ। तो इस तरह की कॉल होती है, तीनों कॉल्स मैं आपको दिखाता हूँ 18 तारीख 18 जुलाई वाली, ठीक है। 18 जुलाई पे चलते हैं दोस्तों, 18 जुलाई ये देखिए अरविंदो फार्मा हमने क्या कहा, इसको हमने सॉरी ये तो बीटीएसटी कॉल है, ये देखिए अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड वाला आप चेक कीजिए, ठीक है। अशोक लेलैंड वाला 113 के ऊपर बाई करना था, 111 का इसमें स्टॉप लॉस था, ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसमें 8000 का लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर से यहाँ पर अरविंदो फार्मा 575 को हमने बाई करना था और 571 पे हमें हम निकल गए थे 19 तारीख, ये देखिए ये बीटीएसटी वाली कॉल है, 575 पे बाई किया, ठीक है, ये देखिए 3:16 पे, ठीक है। और हमने ये निकल गए, ये डेट निकलनी है, एग्जिट की डेट है, ये लिखा हुआ ना एग्जिट, ये एग्जिट की डेट है, तो 19 तारीख को हम सुबह 571 पे निकल गए, ठीक है। तो इसमें भी लॉस हुआ क्योंकि ये इसमें 575 बाई किया था, 571 पे निकले, तो इसमें 1000 का लॉ 1000 का लॉट साइज है, 4 पॉइंट का लॉस है, तो इसमें भी लॉस हो गया, ठीक है, तो ओके नो प्रॉब्लम। फिर 18 तारीख में तीसरी कॉल जो थी फेडरल बैंक सेल करने की कॉल थी 18 को 86.5 पे की रेट पे, तो फेडरल बैंक दोस्तों ये है, ये हमने क्या फेडरल बैंक जुलाई फ्यूचर, इसको हमने क्या कहा था कि ये सेल बेलो 86.50, स्टॉप लॉस इतना था, टारगेट 84 का था। और उसके बाद देखिए 84.50 पे हम इसमें निकल गए थे, ठीक है, और हमने 5500 का इसमें लॉट साइज था, और इसमें हमें जितने पॉइंट मिले उसके हिसाब से 11000 का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दो में हमें स्टॉप लॉस हुआ। फिर उसके बाद अगर आप और ऊपर चेक करेंगे, आप पूरा चेक करेंगे, तो आपको इस तरीके का मिलेगा, यहाँ पे देखिए लॉस, ये टोटल जो है लॉस कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 सात कॉल में लॉस हुआ है, उसके बावजूद जितनी भी मैंने आपकी फ्यूचर की कॉल दी हैं सब में आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। ये नेशनल एल्यूमिनियम में इसमें देखिए 20000 का प्रॉफिट है, तो ये सारा जो है सारा मतलब जो क्लाइंट्स हैं हमारे उन्होंने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, उन्होंने इसमें कॉल ली है, ऐसा कोई फर्जी नहीं है। तो टोटल अगर आप सारी कॉल्स में सिर्फ एक लॉट से अगर काम करोगे, सिर्फ एक लॉट से अगर आप काम करोगे तो 85000 बनेगा, बन रहा है इसमें, बना है जुलाई के मंथ में। अगर आप दो लॉट से काम करोगे तो इसका यही डबल हो जाएगा, ठीक, 1,60,000 रुपये हो जाएगा एक मंथ में। तो इस तरीका का रिटर्न दोस्तों आपको फ्यूचर्स में मिलेगा अगर आप मेरी सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब अगस्त मंथ का हमने स्टार्ट कर दिया है, अगस्त मंथ में आप देखिए हमने रिलायंस को किया था, अब आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिखा देते हैं। अगस्त मंथ तो नीचे से स्टार्ट होगा ना, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अदानी पोर्ट की आज 3 तारीख की कॉल थी, 404 पे मैंने बाय करने के लगा था, 402 का स्टॉप लॉस था और 2500 का लॉट था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया 402 में। अब आप देखिए ये अदानी ये देखिए अदानी पोर्ट का यह है 404 वाला, ये लेवल्स हैं, ठीक है, ये 9:37 में किया था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम निकल गए 5000 का लॉस लेके। उसके अगले दिन उसके उससे पहले वाले दिन में 2 तारीख वाले में आप देखिए 2 तारीख को हमने ये देखिए अरविंदो फार्मा है ना 613 के ऊपर बाई करना था और 610 का स्टॉप लॉस था और टारगेट ओपन था, हम 620 पे हम निकल गए थे, ये देखिए 620 मैंने टारगेट दे दिया था 620 पे, तो 620 पे हम निकल गए, 613 पे बाई किया, 620 पे निकल गए, 7 पॉइंट मिले तो 7000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ऐसे ही रिलायंस में 2 तारीख को मैंने दिया था 1181 के नीचे सेल करना था,
देखिए रिलायंस, ये देखिए लेवल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब मैं फर्जी सीट बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारा लेवल्स यहाँ लिखा हुआ है, विद डेट विद टाइम, विद डेट विद टाइम, ओके। 1181 के नीचे सेल करना है, स्टॉप लॉस 1186 का है और टारगेट ओपन रखा है, लॉट साइज 1000 है। फिर मैंने इसको कह दिया था इसको आप बुक कर लीजिए 1175 या 74 के आसपास, तो 1174 पर हमने बुक किया, 1000 का लॉट साइज था, 7 पॉइंट मिलकर 7000 प्रॉफिट हो गया। तो इसमें अभी तो हमने अगस्त के महीने में हमने सिर्फ 3 कॉल में काम किया, जिसमें अगर आप देखेंगे प्रॉफिट 9000 का प्रॉफिट बन रहा है 2 दिन में, ठीक है। तो इस तरीके की आप फ्यूचर में कॉल्स मिलेंगे, जिसमें स्टॉप लॉस देखिए क्या है मार्केट में दोस्तों, कोई भी 100% राइट नहीं होता, 100% तो बिल्कुल भी आपकी कॉल्स नहीं सही जाएंगी, हो सकता है कि आपकी 70%, 80%, 60% इस तरीके की आपकी एक्यूरेसी हो, बट आप जिस तरीके से, अब मैं आपको हर महीने अपना जो है ये डाटा दिखाता रहूँगा ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ मैं कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट बनाना तो एक नॉर्मल बात है, प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी प्रॉफिट, देखिए अब 1 महीने का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो ना कि प्रॉफिट वाली कॉल्स कितनी ज़्यादा निकल रही हैं, एक दिन में कोई भी प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है। लेकिन आप कंसिस्टेंटली 1 महीने तक काम करोगे उसमें फिर आपको प्रॉफिट बने, तो वो प्रॉफिट रियल प्रॉफिट होता है। तो ये जुलाई मंथ में आप 85,000 बना, और अगस्त मंथ महीने में भी अगर आप 2 दिन में काम किया, 2 दिन में 9,000 बना, तो कंसिस्टेंसी देखिए। इस तरह की मैं सीट अपडेट करके आपको बताता रहूँगा, और टेलीग्राम चैनल को आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पूरा प्रूफ के साथ में, टाइम के साथ में, डेट के साथ में, सारे लेवल्स में देता रहता हूँ। और जो मैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन्होंने मुझे मेरी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब कर रखा है, वो लोग इसमें काम करते हैं और उसमें प्रॉफिट बना रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग भी चाहते हैं कि हम प्रॉफिट बनाएं, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, द टेलीग्राम द वे ऑफ ग्रोथ चैनल में मैं फ्री आपको जो कॉल्स होती हैं वो मैं देता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं सर मैं ट्रेड नहीं करता, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप मेरी प्लीज़ आप मेरी प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं आपको अश्योर करता हूँ आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको लग रहा है कि 30,000 रुपये ज़्यादा है, बट ये ज़्यादा नहीं है। जब आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने 30,000 दे के हमने कितने 30 लाख का प्रॉफिट हमने बना लिया है, बनाने की आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो यही मैं चाहता हूँ, आप लोग कॉन्फिडेंस मिले और आप लोग इसमें पैसा बनाएं मार्केट में, कि पैसा बहुत है, अनलिमिटेड है, बस आपको ट्रिक्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और भरोसा चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे देखिए द वे ऑफ ग्रोथ जो ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरे नंबर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको सर्विसेज चाहिए, तो मैं आपको प्लीज़ ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको एश्योर करता हूँ आपको पैसा बनेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको भी परफॉर्मेंस क्या होती है ये पता चल जाए, हमारी रिसर्च क्या है वो भी आपको पता चल जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए जो मैंने रिव्यू किया है इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, अब मंडे को जो मार्केट खुलेगी तो फिर मैं उससे पहले अगर मुझे कुछ अच्छे स्टॉक मिलेंगे स्टडी करने के दौरान इन 2 दिनों में, तो मैं आपको स्टॉक्स भी सजेस्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe my channel and like and share to your friends. Thank you.